Hello everyone, today we learn about payback period. Let's see how to calculate the payback period by payback method. The period of the time that a project need to recover the money invested in it. In simple language, payback period means how soon we get our cash back. How soon we get our cash back. Let's see simple example. For example, a XYZ person or a person name is Hiralal has invested 5,000 rupees in a project, and a person Hiralal invested 5,000 rupees in a project for 7 years. Years first, 7, 3rd, 4th, 5th and 6th. Okay, this one is investment. This one is years. Okay, and every year he got or he returned cash inflow 1,000 rupees. Then how to calculate payback period? Okay, एक जो पर्सन है हीरालाल नाम का, उसने अपने प्रोजेक्ट में 5,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं 6 ईयर के लिए. ओके, 6 ईयर के लिए उसने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उसका पेबैक पीरियड, उसको उसका पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना है. पेबैक पीरियड मतलब क्या होता है, जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्टेड की है वो आपको उस प्रोजेक्ट में से कितने दिनों में वापस आनी चाहिए. ओके, दैट मीन्स वी कैलकुलेट द पेबैक पीरियड. Then how to calculate payback period? Here you can clearly seen that अगर आपने देखा होगा यहाँ पर, तो जब हम देख उसका जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो है 5,000 रुपीज, और अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ईयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर आप फिफ्थ ईयर तक आएंगे तो उसके उसे अपने जो 5,000 रुपीज है वो मिल जाएंगे. ओके, देन हाउ टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड विद द फॉर्मूला ऑफ पे बैक पीरियड. पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नेट एनुअल कैश फ्लो. नेट एनुअल कैश फ्लो, वी नो दैट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 5,000 एंड नेट एनुअल कैश फ्लो. द नेट एनुअल कैश फ्लो ऑफ एवरी ईयर इज सेम 1,000 रुपीज. देन वी गेट द पे बैक पीरियड Years. Okay, then we get the payback period is equal to 5 years. Okay, in this way we calculate the payback period. Okay, but this formula is not apply for every example, because of you can see here the cash inflow of every year is same. Okay, hence this is the example of the even in cash flow. Okay, इसमें आपने देख सकते हैं यहाँ पर हर एक ईयर के लिए जो कैश इनफ्लो है उसके पास जो पैसे आते हैं हर एक ईयर के लिए वो सेम है. हर एक ईयर के लिए उसके पास जो पैसे आते हैं वो सेम है, इसलिए एग्जांपल हो गया इवन इन कैश फ्लो. ओके, अब हम देखते हैं अभी और एक एग्जांपल देखते हैं इवन इन कैश फ्लो का.
लेट्स सी एग्जांपल ऑफ द इवन कैश फ्लो. दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इवन कैश फ्लो. अ मशीन एक इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज इक्वल टू 5,000 rupees, नंबर ऑफ इयर्स यूज 10 years, एंड नेट अमाउंट कैश इनफ्लो 10,000 rupees. ओके, देन सॉल्यूशन. हमें फॉर्मूला मालूम है. पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नेट एनुअल कैश फ्लो. ओके, वी नो दैट द इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 25,000 एंड नेट कैश फ्लो ऑफ एवरी ईयर, दैट मीन्स द नेट कैश फ्लो ऑफ द 10 years इज इक्वल टू 10,000. देन वी गेट द पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 2.5 years. ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इवन कैश फ्लो. लेट्स सी देन द एग्जाम्पल ऑफ अनइवन कैश फ्लो. देन लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ अनइवन कैश फ्लो. अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 lakh इज एक्सपेक्टेड इन जनरेट द फॉलोइंग कैश इनफ्लो इन 6 years. ईयर फर्स्ट 70,000, ईयर सेकंड 60,000, ईयर थर्ड 25,000, ईयर फोर्थ 40,000, ईयर फिफ्थ 30,000 एंड ईयर सिक्स 25,000. ओके, देन कैलकुलेट द पे बैक पीरियड ऑफ द इन्वेस्टमेंट. ओके, लेट्स सॉल्व दिस एग्जांपल. इसके लिए हम अभी एक टेबल बना लेते हैं. यहां पर होगी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट. हमें पता है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी है, 2 lakh rupees. देन यहां पर होगा ईयर, देन कैश इनफ्लो, देन कम्युलेटिव कैश इनफ्लो, ओके. अब यहां पर हम ईयर लिख लेते हैं. ईयर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फिफ्थ सिक्स. कैश इनफ्लो लिख लेते हैं 70,000, 60,000, 55,000, 40,000, 30,000 एंड लास्ट वन इज 25,000. ओके, अब एग्जांपल ये है कि इन्वेस्टमेंट किए गई है 2 lakh और कैश फ्लो है डिफरेंट. हर एक ईयर के लिए डिफरेंट कैश फ्लो है, तो इसके लिए हमें पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट हमें कम्युलेटिव कैश इनफ्लो कैलकुलेट करना पड़ेगा. देन फर्स्ट ईयर के लिए अभी हमने यहाँ पर कैश इनफ्लो है 70,000. यहाँ पर 70,000 ही आएंगे. पहले ईयर के जो है वो सेम आते हैं कम्युलेटिव कैश इनफ्लो. देन सेकंड ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए कम्युलेटिव कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 70,000 प्लस 60,000, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ 1,30,000. ओके, थर्ड ईयर के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1,30,000 प्लस थर्ड लाख का, थर्ड ईयर का जो कैश इनफ्लो है वो है 55,000. दैट मीन्स 55,000 प्लस 1,30,000, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ 1,85,000. ओके, अब फोर्थ ईयर के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1,85,000
प्लस जो भी कुछ फोर्थ ईयर का कैश इनफ्लो है वो उसमें हम प्लस कर देंगे, तो वो है हमारा 40,000। 40,000 प्लस 1,85,000 आ गया 2,25,000। देन 2,25,000 प्लस 30,000 देन 2,25,000 देन 30,000 देन यहाँ पे आ गया 2,55,000 देन फॉर सिक्स ईयर के लिए 2,55,000 प्लस 25,000 यहाँ पर आ गया 2,80,000। ओके, इस तरह से हमने क्या किया, हर एक ईयर के लिए कम्युलेटिव कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब यहां पर हम देख सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई है 2,00,000 की, तो 2,00,000 कवर करने के लिए हमें पीरियड ऑफ टाइमिंग चाहिए। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं ये जो अमाउंट है ये 2,00,000 से ऊपर है। ओके, मतलब आपकी जो 2,00,000 है हमें हमें किस पीरियड में मिलने वाले है, थ्री और फोर के जो बीच का जो पीरियड है इसमें से हमें क्या मिलने वाला है, पीरियड ऑफ पे बैक पीरियड मिलने वाला है। ओके, तो ये दो जो ईयर है इसमें से हमें पे बैक पीरियड निकालना है। ओके, तो फर्स्टली हियर वी राइट द फॉर्मूला पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड अब ये है 1,85,000 और किस ईयर में कंप्लीट हो रही है, थर्ड ईयर में, तो यहां पर थर्ड लेते हैं, थर्ड ईयर प्लस, अब देखिए यहां पर हम लिख लिया 3 और उसके बाद हमें रिक्वायर्ड अमाउंट निकालनी है। ओके, रिक्वायर्ड अमाउंट कैसे निकालने के, फिर हमें हमारे हमें मालूम है कि इन्वेस्टमेंट है 2,00,000 की इन्वेस्टमेंट है और उससे कम अमाउंट कौन सी है, 1,85,000 डिवाइड बाय कैश फ्लो अगले ईयर का लेना है, मतलब फोर्थ का जो कैश फ्लो वो लेना है वो है हमारा 40,000। देन हम ही कैलकुलेट करते हैं, तो हमें पे बैक पीरियड मिल जाता है 3.375। ओके, इस तरह से हम पे बैक पीरियड अनइवन कैश फ्लो के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।